आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर अमेनिटीज हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ, तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के दो हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहरों को, शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिज़ाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियां गलियां बनी और वहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है, तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिजाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं इनके ऊपर की जो स्पेस है, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, यहां पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक नई एक स्थायी जगह बने जिस पर फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, तो खेलने की एक छोटी सी जगह बन जाए। लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर आप जाओ किसी भी शहर के, देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलौने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल का भी एक पॉइंट हो। तो ये जो रूफ प्लाजा बने, ये रूफ प्लाजा एक नई अर्बन स्पेस की तरह डेवलप हो जिसमें, जैसा आपने कई अच्छे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस में देखा होगा, इस रूफ प्लाजा में बहुत सारी फैसिलिटीज रहे। चौथा, हर तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली, हर तरीके से पॉसिबल हो, ग्रीन सोलर पैनल्स लगे रूफ के ऊपर, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सफाई और इन सब की चीज़ों का एक इंटीग्रल तरीके से डेवलप हो, तो ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिज़ाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहाँ ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। तीन जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली,
मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये तीन जो बहुत बड़े स्टेशन्स हैं, इन स्टेशन्स के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। उसके डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखेंगे। अगर यह है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपके सामने, इसके आप अगर देखते हो ये आज की सिचुएशन है, ये आज का स्टेशन है। इसके पूरे एरिया को अगर आप देखते हो, एक तरफ पहाड़गंज, एक तरफ अजमेरी गेट, और प्लेटफॉर्म एरिया एक तरीके से स्क्यूड सा है। कुछ ट्रैक्स पहाड़गंज की साइड लंबे ज़्यादा हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स अजमेरी गेट की तरफ लंबे ज़्यादा है, और शहर का एक सेंट्रल प्लेस है कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कल, जो उसके एकदम नज़दीक उसके साथ ही जुड़ा हुआ स्टेशन है। इसका कंप्लीट मास्टर प्लान, जितना भी उसमें रेलवे की लैंड है और रेलवे के आसपास की लैंड है जिसमें कई सारे ऑफिसेज हैं, कई तरह की कॉलोनीज हैं, उन सबको दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट करके एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा इसका मास्टर प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और उसके चारों तरफ जो ट्रैफिक का फ्लो रहेगा उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। किस तरह से लोग आए तो उनको पार्किंग के लिए स्पेस मिले, वो पार्किंग की स्पेस, तीन यहाँ पे मोड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, रेलवे, बस और मेट्रो, प्लस अपनी पर्सनल कार से कोई आए, ऑटो से आए, साइकिल से आए, इन सब की, इन सारे के सारे मोड्स को सीमलेस इंटीग्रेशन का इसमें प्लानिंग है। किस तरह से ड्रॉप ऑफ जोन्स रहेंगे, किस तरह से पिकअप जोन्स रहेंगे, ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। ये आपके सामने कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। दो जो डोम्स देख रहे हैं आप, ये दोनों डोम्स ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डोम्स हैं स्टेशन के डोम्स। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें रूफ प्लाजा के, 4 फ्लोर्स होंगे और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स, और उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसका एक मास्टर प्लान DDA, दिल्ली गवर्नमेंट, CPWD, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, DUAC वगैरह वगैरह, जितनी भी हमारी दिल्ली की एजेंसीज हैं, UTPAC, उन सब एजेंसीज के साथ मिलके इसका एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये आप अगर देखेंगे, ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आपको एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर इसमें बनेगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। ये स्टेशन का व्यू दिखेगा, एलिवेटेड रोड्स, ये आप देख रहे हैं, ये रोड्स इसकी एंट्री और एग्जिट की एलिवेटेड रोड्स रहेंगी। ये कंप्लीट एक तरीके से उस एरिया का कंप्लीट रिजुविनेशन होगा इस स्टेशन के डेवलपमेंट के साथ ही साथ। ये अंदर से व्यू, रूफ प्लाजा, 1, 2, 3, 4 व्यूज हैं उसके अंदर। जैसा विस्तृत तरीके से अगर आप देखें, बहुत सारे अच्छे स्पेशियस वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगह, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रखने की अलग से जगह, सेल्स की जगह, इस तरह से करके पूरा एक इंटरनेशनल तरीके से इसका डेवलपमेंट का प्लान बना है। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहाँ पे वेट किया और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से